हाँ फ्रेंड्स, सबका सुनीता किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए, मैं मैदा ले रखी हूँ 250 ग्राम। तब इसमें नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। तो देखिए, रिफाइंड तेल डाल ले रहे हैं 2 से 3 चम्मच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें खाने का सोडा डाल दे रही हूँ हल्का सा, एक चुटकी। तो अब इसमें मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी डाल डाल के थोड़ा सा गूथेंगे। एकदम मुलायम आटा लगाएंगे, ज़्यादा सख्त नहीं लगाएंगे और ना ही ज़्यादा गीला। इसे मुलायम सानेंगे फ्रेंड्स। ये मोमोज का आटा जो साना हुआ था, तो इसका लोई काट रहे हैं छोटा छोटा पीस में। तो इसको काट लेंगे लोई, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे लोई काट लिए हैं। अब इसे बेलने बेलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बेल रहे हैं मोमोज का, पूड़ी की तरह बेलाता है इसे। तो इसमें स्टफिंग भरेंगे फिर। बाजार से लाने से अच्छा घर में बनाकर खाइए, हेल्दी भी रहता है। तो इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किनारे किनारे इसका, तो इसका किनारे किनारे पानी लगा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे गुजिया बनता है उसी टाइप का कर देंगे, मोड़ देंगे इसे। तो ये देखिए, फ्रेंड्स, एक और बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा भी उसी तरह से बेल लेंगे पूड़ी की तरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेल लिए हैं इसे। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इसमें किनारे किनारे साइड में पानी लगा लेंगे, क्योंकि इसमें चिपके नहीं। तो ये देखिए, स्टफिंग भर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको जैसे मर्जी हो वैसे बना सकते हैं। तो इसको बीच में चिपकाने के लिए इसमें पानी लगाना पड़ता है किनारे किनारे। तो ये देखिए, आप जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं मोमोज। तो इसी तरह सारे बना के रख लेंगे। तो कढ़ाई में पानी चढ़ा दिए फ्रेंड्स गर्म होने के लिए। गैस ऑन करके कढ़ाई में पानी गर्म हो जाएगा, तो फिर इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। सारे मोमोज बना लिए हैं, तब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, पानी गर्म हो गया है। इस पर जाली रखेंगे जिसमें मोमोज बनाते हैं। तो ये देखिए, मैं मोमोज की थाली रख दी हूँ। तो इसे सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑयल मैं ग्रीस करती हूँ इसको। अब इसमें मोमोज डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं मोमोज उठा उठा कर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सारे मोमोज को एक एक करके डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मोमोज को मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसे ढक देते हैं ढक्कन से 10 मिनट तक के। इसे छोड़ देंगे हूँ, 10 मिनट के बाद चेक करेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भाप फेंकने लगा। मैं इसे पलट देती हूँ एक एक करके। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके इसे पलट देंगे। तो इसे देखिए पलट दे रहे हैं, इसी तरह से सारे को पलट दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी पलट दिए इसे। अभी 5 मिनट इसे और पलट रन लगने देते हैं, उसके बाद मैं निकालूंगी। इसे ढक देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया है, रेडी हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे हम। अब दूसरी बैच जो है उसमें डाल देंगे, इसी तरह सारे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे मोमोज बना लिए हैं, अब सर्व कर लिए हैं। तब मैं एक तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक तोड़ के दिखा दे रही हूँ चिकन मोमोज। देखिए कितना अच्छा ऊपर से। तो ये देखिए सॉस के साथ। तो ये देखिए खा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चिकन मोमोज का, तो शेयर कमेंट में लिख दीजिए कैसा बना था। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। ओके बाय, थैंक यू।